हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी, हमने जो ग्रामर की डिस्कशन लास्ट टाइम की थी उसका आंसर जो है, अ लॉट ऑफ यू हैड गेस्ड द राइट आंसर दो, बट देयर वर सम पीपल हु वर गेसिंग इट रॉन्ग. वो इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर जो एग्जांपल्स दी थी जान के आई कैचर्स के तौर पे, वो सब मैंने सिंगुलर फॉर्म में दी थी, तो सम हाउ द पीपल वर गेटिंग द रॉन्ग आंसर. लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट्स द राइट आंसर एंड व्हाई. वेल, अपॉलॉजीज फॉर द डिले फर्स्ट, बट आपका एक चीज सिंगुलर होती है, अ गर्ल, और फिर उसकी प्लूरल फॉर्म होती है गर्ल्स. ठीक है जी. अब हमारे प्लूरल्स के अंदर ग्रुप फॉर्म में एक जैसी चीजों को हम जब इकट्ठे लेते हैं, हम उनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, एंड दैट होल फिनोमेना इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है जी. जैसे कि आपका डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट के अंदर 50 बंदे होंगे, बट इट्स गोइंग टू बी अ डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग द एग्जाम. ठीक है जी. या कोई भी सेंटेंस बना लें, आर्मी, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स उसके अंदर होंगे, लेकिन इट्स जस्ट वन आर्मी. द आर्मी इज स्ट्रांग. ठीक है जी. हर्ड, बहुत सारे जानवर इकट्ठे हैं, अ हर्ड ऑफ एनिमल्स इज ग्रेजिंग. ठीक. और ग्रुप, अब एक ग्रुप के अंदर चाहे 10 लोग होंगे, 15 होंगे, 100 लोग होंगे, आप कहेंगे द ग्रुप इज सिटिंग इन द क्लास. ठीक है जी. तो इस तरह हमें पता चलता है कि दे आर टू बी कंसिडर्ड सिंगुलर. ये है कलेक्टिव नाउन्स. मेरा क्वेश्चन था कि पुलिस डैश कमिंग, इस हिसाब से होना चाहिए था पुलिस इज कमिंग, क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत सारे पुलिसमैन हैं, और जैसे मैंने आर्मी का कहा. Now collective nouns have some exceptions. The whole English grammar becomes a problem when the exceptions come in. आपके कुछ words हैं collective nouns के अंदर जो जिनका singular form है ही नहीं. जैसे मैंने अभी कहा a department, an army, a herd, a group, a community. लेकिन police का a police हो सकता है. पुलिस इज ऑलवेज योर प्लूरल फॉर्म. इसका मतलब है पुलिस आर कमिंग, पुलिस आर चेजिंग द कल्प्रिट्स. सो पुलिस के साथ हमेशा आर आएगा. इसी तरह कैटल, कैटल के साथ हमेशा आर आएगा. कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड. इट्स नेवर गोइंग टू बी अ कैटल, कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है, कैटल आर. इसी तरह क्लोथ्स आर, इसी तरह पीपल आर. एक जैसे लोगों के पीपल हों, पर अ पीपल नहीं हो सकता. इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, सो पीपल आर. जेंट्री आर, हम जेंट्री के साथ भी इज लगाने के आदि हैं, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. जेंट्री के साथ आप आर लगाते हैं. अच्छा, अब मजे की बात कि ये बात तो क्लियर हो गई कि पुलिस वॉज सपोज टू बी रिटन विद आर, उसके साथ जो वर्ब आना है दैट इज आर. पुलिस डैश अ ग्रेट डिपार्टमेंट, अब मैं पुलिस आर अ ग्रेट डिपार्टमेंट या गुड डिपार्टमेंट नहीं होंगी. पुलिस इज अ गुड डिपार्टमेंट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट. पुलिस एक अच्छा डिपार्टमेंट है. पुलिस इज अ गुड डिपार्टमेंट, नॉट पुलिस आर. लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंटली पुलिस की बात कर रही हूं, नॉट कंबाइनिंग इट विद अ डिपार्टमेंट और समथिंग विच इज सिंगुलर, तो फिर वो इंडिपेंडेंटली आर आएगा. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा एक्सेप्शन दर एक्सेप्शन, आपके कुछ चीजें सिंगुलर हैं, कुछ आपके कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल है. देन देयर इज अनदर कैटेगरी जो बोथ है, आपकी जूरी है. अगर तो जूरी ने एक जैसा डिसीजन दिया हुआ है, ठीक है जी, डिसाइडिंग बॉडी है आपकी जूरी, द पब्लिक. अच्छा, अब क्या है कि आपकी अगर जूरी ने एक जैसा डिसीजन दिया है, तो द जूरी इज इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. और अगर उनका डिसीजन जो है वो डिफर करता है, मतलब कि जूरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नाउ द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. इसी तरह स्टाफ है, अगर वो सब एक ही जगह के एक ही जैसा काम करने वाले लोग होंगे, तो हम कहेंगे द स्टाफ इज वर्किंग ऑन द शिप. एक ही शिप का एक ही स्टाफ है जो एक जैसा. लेकिन एक स्टाफ है जो होटल का है, एक स्टाफ जो है वो शिप का है. अब हम कहेंगे द स्टाफ आर बीइंग गिवन ड्यूटीज, क्योंकि डिफरेंट स्टाफ
डिफरेंट ड्यूटीज वाले लोग इकट्ठे हों. सो दिस इज हाउ ग्रामर वर्क्स. आई नो इट इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट, बट यू नो वी कैन जस्ट लर्न न्यू थिंग्स एंड यू नो सर्च फॉर न्यू थिंग्स एंड ग्रो टुगेदर. आई होप इट वॉज यूजफुल. इंशाल्लाह वी बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट न्यू वीडियो सो वी कैन लर्न समथिंग न्यू अबाउट ग्रामर. गॉड स्पीड. अल्लाह हाफिज़.